बांका के अमरपुर में श्री भागवत ज्ञान कथा यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें 6 मार्च से 12 मार्च तक ये चलेगा। अमरपुर के पानसल्ला गांव से 251 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कोदंडा चांदनी चौक सुल्तानपुर दीनदयाल होते हुए भुवर बाबा दुर्गा स्थान में जल भरकर दोहरा डीही कुशवाहा होते हुए ग्राम पानसल्ला गांव के कार्यक्रम स्थान तक पहुंची। कथावाचक वृंदावन धाम के श्री साध्वी बाल व्यास जी साक्षी कृष्ण प्रिया जी महाराज हैं और जो प्रवचन में भाग लेंगे। साध्वी जी महाराज 7 वर्ष की उम्र से ही भागवत कथा बांच रहे हैं। वर्तमान में 15 साल की उम्र है, 9वीं क्लास में पढ़ रही है। पहली बार अमरपुर के पनसला गांव में समाज सेवी राम बालक मंडल और पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से भागवत कराया जा रहा है। गांव में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण युवा और युवती महिलाएं भागवत कथा का आनंद ले रही हैं। पहली बार भागवत पढ़े जाए और जैसा कि हम लोग ने जान रहे हैं कि आप 7 वर्षों से ही प्रवचन यानी भागवत कहना सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे बांका जिला वासी को, पंचला वासी को क्या कहना चाहेंगे? दोबारा आने पर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है इस बार, क्योंकि एक बार और फिर से मुझे मौका मिला है, फिर से अवसर मिला है। एक छोटा सा सवाल है कि भागवत से क्या लोगों को लाभ क्या मिला? देखिए, इस समय इस समाज में सबसे ज़्यादा कमी धर्म की है और लोग पाश्चात्य धर्म की ओर सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। कारण ये कि कुछ सनातन धर्म के खिलाफ हो चुके हैं, उसे गलत मान करके, जो नियम है उनको गलत मान करके। तो भागवत से कहने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को मत छोड़िए, सनातन धर्म को अपनाइए। उसमें हर चीज़ गलत नहीं हो सकता, धारणाएं गलत हो सकती है लेकिन उसके भाव गलत नहीं हो सकते। और किसी की भी आस्था, उनका विश्वास, जो सनातन धर्म से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके लिए है कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जो किसी भी धर्म को भी नहीं मानती, सनातन धर्म को भी बढ़ावा देती है। कोई क्योंकि भक्ति पर किसी धर्म का अधिकार नहीं है, ये धर्म जात पात हम सब इंसानों ने बनाए, भगवान ने तो नहीं बनाए। तो भागवत से कहने का ये है कि आप कृष्ण भक्ति करिए, आप धर्म जात इन सबको छोड़ करके, जो हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए कर्तव्य बता गए हैं, जो हमें करना चाहिए, जो जीवन में हम कोई काम करने के लिए आए हैं, वही श्रीमद् भागवत कथा की परिभाषा है, वही हमें करना सिखाती है। भागवत हमें धर्म से जोड़ती है, भागवत हमें हमारे भगवान से जोड़ती है, कुरीतियां दूर करती है समाज की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।